मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर मासिक देय राशि 30,000 की मांग की। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कल से एमबीबीएस इंटर्न हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी एमबीबीएस इंटर्न शिवपुरी कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 30,000 मासिक मानदेय की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख है कि उनका मासिक मानदेय 13,409 वर्तमान में दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 30,000 मासिक किया जाए, जिसके चलते वे दैनिक आवश्यकताओं सहित काम पर भी ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के लाभ अलग राज्यों में मासिक दे पड़ा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही कम दिया जा रहा है। असम में 36,220, पश्चिम बंगाल में 32,000, कर्नाटक में 30,000, पश्चिम बंगाल में 31,977, मेघालय में 30,000 प्रतिमा दिया जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 30,000 प्रतिमा मानदेय भुगतान किया जाए। आज सभी हड़ताल पर चल रहे थे और मेडिकल कॉलेज में आपका धरना चल रहा है, इसके बावजूद आप कलेक्टेड आए हैं, कलेक्टेड आने का कारण क्या है? हम सभी मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर हैं, जो अपनी मांगों को लेकर अभी कलेक्टर के नाम, कलेक्टर के थ्रू चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांगे में मुख्य मांग है कि जो मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है वेतन, उसमें बढ़ोतरी की मांग को लेकर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अपने मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है। अन्य राज्यों में लगभग जो पड़ोसी राज्य और अन्य राज्य, उसमें 23,000 या 30,000 प्लस स्टाइपेंड मिल रहा है, जबकि अपने यहाँ पे जो मंथली स्टाइपेंड है वो सिर्फ 13,450 रुपये मिल रहा है। उसकी मांग को लेकर अभी कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। अच्छा, आप शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कितने इंटर्न हैं? शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का जो 2019 का पहला बैच था, उसकी अभी MBBS कंप्लीट होके उसके टोटल 100 लोग का बैच है, 100 डॉक्टर्स। अच्छा, आप जैसे अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई जी, तो फिर ये हड़ताल किस स्तर तक जाए? सर, हमने इससे पहले भी प्रशासन से शांतिपूर्वक तरीके से अपने मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे पहले मंत्रालय से भी मिले हैं, मिनिस्टर सर से भी मिले हैं, और जो कार्यस्थल है वहाँ पे काली पट्टी का बांध के भी विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले कल से हमने पहले वार्न किया था सर को और प्रशासन को, उसके बाद हम लोग धरना स्टार्ट किया है। कल जो अपने मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया था, आज बाइक रैली के साथ साथ कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है।